कर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस भिलाई नगर दुर्ग में आप सभी का स्वागत है। मैकेनिकल ड्राफ्टिंग डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन जीटीयू अहमदाबाद सिलेबस से यूनिट 8 डिटेल्स एंड असेंबली ड्राइंग इंपॉर्टेंस एंड डिफरेंस ऑफ दिस ड्राइंग्स डिटेल ड्राइंग फ्रॉम द गिवन असेंबली ड्राइंग फ्रॉम गिवन डिटेल्स प्रिपरेशन बिल ऑफ मटेरियल्स आर पार्ट लिस्ट। वर्किंग ड्राइंग क्या है? वर्किंग ड्राइंग इज ए सेट ऑफ ड्राइंग यूज ड्यूरिंग द वर्क ऑफ मेकिंग ए प्रोडक्ट। वर्किंग ड्राइंग दो तरह की होती है, एक डिटेल ड्राइंग होती है, एक असेंबली ड्राइंग होती है। डिटेल ड्राइंग इज ए मल्टी व्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल पार्ट विथ डायमेंशन एंड नोट। असेंबली ड्राइंग इज ए ड्राइंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ मशीन आर स्ट्रक्चर असेंबल्ड इन देयर रिलेटिव वर्किंग पोजिशन। पर्पस क्या है? डिटेल ड्राइंग कन्वे द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट। असेंबली ड्राइंग कन्वे कंप्लीट शेप ऑफ प्रोडक्ट ओवरऑल डायमेंशन रिलेटिव पोजिशन ऑफ ईच पार्ट फंक्शनल रिलेशनशिप एमंग वेरियस कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन इन डिटेल ड्राइंग जनरल इंफॉर्मेशन टाइटल ब्लॉक में रहता है और पार्ट का इंफॉर्मेशन जो होता है शेप डिस्क्रिप्शन ऑब्जेक्ट्स साइज डिस्क्रिप्शन व्यू में और स्पेसिफिकेशन नोट्स। टाइटल ब्लॉक में नेम ऑफ कंपनी टाइटल ऑफ ड्राइंग ड्राइंग शीट नंबर नेम ऑफ ड्राफ्टर एंड चेकर रिलेटिव डिटेल्स ऑफ एक्शन रिविजन टेबल और इसके अलावा उसी में यूनिट स्केल और मेथड ऑफ प्रोजेक्शन तीनों भी रहता है। पार्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है? शेप ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग और पिक्चरल ड्राइंग के माध्यम साइज डायमेंशन टॉलरेंसेस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? पार्ट नंबर नेम नंबर रिक्वायर्ड टाइप ऑफ मटेरियल यूज जर्नल नोट्स हीट ट्रीटमेंट सर्फेस फिनिशन जर्नल टॉलरेंसेस के बारे में स्पेसिफिकेशन रहता है। रिकमेंडेड प्रैक्टिस के ड्रा वन पार्ट टू वन सीट ऑन पेपर इफ नॉट द केस अप्लाई इनफ स्पेस बिटवीन द पार्ट ड्रा ऑल पार्ट यूजिंग द सेम स्केल अदरवाइज द स्केल शुड बी क्लियरली नोट अंडर ईच पार्ट। स्टैंडर्ड पार्ट सच एज बोल्ट नट पिन बेरिंग डज नॉट रिक्वायर डिटेल्स ड्राइंग। प्लेसिंग एन इंफॉर्मेशन कंप्लीट डायमेंशन ऑर्थोग्राफिकल ड्राइंग हम ड्राइंग शीट के इस जगह करेंगे पार्ट नंबर पार्ट नेम मटेरियल नंबर रिक्वायर्ड नोट या यूनिट फिलेट राउंड साइज एक्सेट्रा और यहाँ टाइटल ब्लॉक यहाँ पर इनके डिटेल्स रहेंगे और एक टाइटल ब्लॉक रहेंगे। जैसे एग्जांपल के देखिए ये ऑर्थोग्राफिकल व्यू है डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस और सरफेस फिनिश के डिटेल्स के साथ बना हुआ है। ये जर्नल नोट है अनलेस अदरवाइज द स्पेसिफाइड सरफेस फिनिश टू बी दिस। ये जर्नल टॉलरेंसेस है प्रोजेक्शन का सिंबल है ए रिविजन टेबल है अगर जो जो रिविजन होकर लिखे और ये टाइटल ब्लॉक है। इस तरह का असेंबली ड्राइंग का डिटेल ड्राइंग का सीट रहता है। असेंबली ड्राइंग टाइप ऑफ असेंबली ड्राइंग एक्सप्लोज असेंबली ड्राइंग जर्नल असेंबली ड्राइंग डिटेल असेंबली ड्राइंग। पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए ये स्टैंड का है ठीक इसके पूरे नट बोल्ट बाहर हैं। अब इसको जब असेंबल करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में ये देखिए पूरे असेंबल्ड हो गया ये हो गया और टेबल इस पर हो गया। ये वुड स्क्रू है इसके टाइट है। जनरल असेंबली देखिए पिक्चोरियल व्यू कपलिंग का है ये साफ्ट है की है बोल्ट से टाइट है और इसका ये ऑर्थोग्राफिकल व्यू है। ये देखिए की है ऐसा आप कपल कर किया हुआ है। ये कपलिंग का है ड्राइंग पिक्चोरियल व्यू इस तरह दिखता है और ये एक मशीन का असेंबल ड्राइंग है ये ऑर्थोग्राफिकल व्यू में इस तरह से दिखता है। डिटेल असेंबली या वर्किंग ड्राइंग असेंबली इस तरह से होते हैं। देखिए पूरे कंप्लीट उनके असेंबल करने के बाद ये व्यूज पूरे रहेंगे और साथ में ये डिटेल्स रहेंगे उनके।
required information the general assembly drawing. All part draw in their operation position, part list or bill of material, item number, description name, material, quantity required. Leader line with balloons around part number. Machining and assembly operation and critical dimension related to the operation of machine. Placing in the information असेंबली ड्राइंग में देखिए असेंबल पार्ट ए है, रेफरेंस नंबर उसके रहेंगे, जर्नल नोट्स रहेंगे, पार्ट लिस्ट इधर रहेगा, टाइटल ब्लॉक इधर रहेगा, पार्ट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है ये देखिए, ये सीरियल नंबर है, पार्ट नेम है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, इसके मटेरियल के बारे में, जैसे सपोर्ट रहेगा दो चाहिए कास्ट आयरन का रहेगा, शाफ्ट एक चाहिए स्टेनलेस स्टील का रहेगा, सेट ऑफ स्क्रू एक चाहिए स्टेनलेस स्टील का रहेंगे, M3 हेक्सागोनल शाफ्ट कॉपी, इसकी डिटेल्स है। अनदर अलाउंसेज बिल ऑफ मटेरियल, ये देखिए इस मशीन पार्ट का ऑर्थोग्राफिकल सेक्शनल व्यू है, इसमें बिल ऑफ मटेरियल इनके क्या क्या लगेंगे वो डिटेल्स इस तरह से रखता है, टाइटल ब्लॉक है, ये जनरल इंफॉर्मेशन, इस तरह से शीट हम कंप्लीट करते हैं। स्टेप टू क्रिएट असेंबली ड्राइंग, एनालाइज ज्योमेट्रिकल एंड डायमेंशंस ऑफ ऑल पार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द असेंबली स्टेप एंड ओवरऑल शेप ऑफ डिवाइस आर मशीन, सेलेक्ट एनी अप्रोप्रिएट व्यू, चूज मेजर पार्ट, पार्ट डेट हैव सेवरल पार्ट असेंबल्ड ऑन, ट्राई व्यू ऑफ मेजर पार्ट अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड व्यू डायरेक्शंस। नेक्स्ट एड डिटेल व्यू ऑफ रिमेनिंग पार्ट एट देयर वर्किंग पोजिशन, अप्लाई सेक्शनल टेक्निक वेयर रिलेटिव पोजिशन बिटवीन एडजेसेंट पार्ट आर नीडेड टू क्लियर the balloons, notes and dimensions if required, create bill of material. General practice क्या होती है, the number of view can be 1, 2, 3 or more are needed, but it should be minimum. A good viewing direction is that represent all of the part assembled in their working position. देखिए part A है, part B है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये देखिए इनकी असेंबली ऐसी, इस पार्ट ए में इसको इंसर्ट है, इस तरह असेंबली हुई। ये देखिए पार्ट ए है, पार्ट बी है, और इसकी असेंबली के बाद ये इस तरह से तरीके दिखाया, अगर इसको इनको इंसर्ट करने के बाद इस तरह दिखाएंगे तो क्लियर नहीं होगा, इसलिए इसको इस पार्ट का, ये वाला पार्ट का सेक्शनिंग करके डिटेल्स दिखाएंगे, तो इस तरह से प्रैक्टिस करने से असेंबली ड्राइंग अच्छी बनती है या बहुत क्लियर रहता है। डू नॉट ड्रा सेक्शनल लाइन और सेक्शनल व्यू ऑफ ए स्टैंडर्ड पार्ट, थ्रेडेड फास्टनर, वाशर, सॉलिड शार्प पिन की इसके सेक्शनल व्यू नहीं दिखाते हैं। एग्जाम्पल ये देखिए, ये पार्ट क्लीवर स्टील रॉड है, ये आर्म है, ये पिन है, इनको किस तरह से करना है देखिए, ये क्लीव्स बने हुए हैं, इसमें देखिए ये आर्म इस तरह से इंसर्ट हुआ, और फिर इस पिन को, ये जो पिन है इसको किस तरह से लगाते हैं ये देखिए, ये इसकी असेंबली ड्राइंग हो गई। नेक्स्ट ये देखिए, अब इसके पिन को दिखाने के लिए सेक्शनिंग करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर दिखता है कि यह ऑब्जेक्ट कैसा है, बट यह प्रैक्टिस गलत है क्योंकि पिन की सेक्शनिंग नहीं होती, यानी यह प्रैक्टिस जो है अच्छी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस गलत है क्योंकि इसमें देखिए पिन का सेक्शनिंग कर दिया, जो कि यह नहीं होता, हमें इस ऑब्जेक्ट और ये दो में ऑब्जेक्ट को ही दिखाना है, पिन की सेक्शनिंग हमने बोला पिन का, नट का, बोल्ट का और की का सेक्शनिंग नहीं होता है। ये देखिए ये असेंबली हो गई, इसमें पिन है, पिन की असेंबली सेक्शनिंग नहीं होती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें सेक्शनिंग पिन का कर दिया गया है, यह प्रैक्टिस सही है क्योंकि शाफ्ट का और पिन का सेक्शनिंग नहीं होता, ऑब्जेक्ट के सेक्शनिंग होती है।
इट्स ए गुड प्रैक्टिस। एग्जाम्पल 3 देख लीजिए, ये इस तरह से इंसर्ट हुआ, ये पिन आ गया, ये देखिए। ये देखिए इसमें ऑब्जेक्ट का सेक्शनिंग हो गया, पिन का सेक्शनिंग अगर हम करेंगे ये तो गलत प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस सही है। डिटेल लाइन प्रैक्टिस, ड्रॉ द इनसाइड ऑफ द पार्ट ऑफ द बैलून एंड प्लेस द फील्ड सर्कल एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। ये इसको दिखाने के लिए ये तरीका, इस तरह से देखिए असेंबली कंप्लीट हुई इसकी। इंटरप्रेटिंग असेंबली ड्राइंग, असेंबली स्टेज, फंक्शन ऑफ ईच पार्ट इन मशीन, डिजाइन कॉन्सेप्ट, शाफ्ट सपोर्ट ऑन ए मशीन हाउसिंग, इंस्टॉल बेयरिंग टू द शाफ्ट, इंस्टॉल द बेयरिंग शाफ्ट यूनिट टू द हाउसिंग, इंस्टॉल द कवर प्लेट, टाइटन द स्क्रू। इसी स्टेज में हमने इसको असेंबल किया था, उसको हमने यहाँ लिख के बताया। फंक्शन ऑफ द मेन पार्ट, बेयरिंग सपोर्ट द रोटेटिंग शाफ्ट, कवर कंट्रोल द एक्सियल मोमेंट एंड प्रिवेंट द बेयरिंग यूनिट फ्रॉम द रोटेशन। डिजाइन कवर, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द रोटेटिंग शाफ्ट एंड हाउसिंग एज वेल एज कवर प्लेट बाई यूजिंग अ बेयरिंग एंड